हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलड़ा, आपका फ्रेंड प्लस फ्रेंड गाइड। स्वागत है आपका मेरे चैनल में अमित तलड़ा क्लासेस, और स्वागत है आपका सीएस एग्जीक्यूटिव में। जिन बच्चों ने भी अगस्त में अभी सीएसईटी का एग्ज़ाम दिया है और कुछ ही दिनों में उनका रिजल्ट आने वाला है, आई होप सो रिजल्ट डेट भी अनाउंस हो जाएगी बहुत जल्द। और अब जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो गया है, अब तरह तरह के सवाल आपके मन में उठेंगे, और वो सारे सवालों का जवाब मैं आपके लिए लाया हूँ कि जून 21 जो आपका एलिजिबल अटेम्प्ट आएगा, फर्स्ट एलिजिबल अटेम्प्ट फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव, उसके बारे में मैं ए टू जेड सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। सारे ऐसे ऐसे जो सवाल आपके मन में आएंगे, जैसे आप ग्रेजुअली प्रोसीड करोगे रिजल्ट के बाद, वो सारे सवालों के जवाब मैं इसमें आपको देने वाला हूँ। और काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको डिसीजन लेना है, तो उससे रिलेटेड सारे जो फैक्ट्स आपको लगेंगे, जो भी मेरा ओपिनियन आपको लगेगा, वो सब मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो एक फुल फ्लेज वीडियो होगा, बहुत लंबा होगा, बट आई विल रिकमेंड कि आप ये पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। ऑल इन वन ये वीडियो है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, सारे प्रॉब्लम्स जो आप फेस करने वाले हो, सारे डिसीजन जो आपको लेने हैं, वो सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और मैं अपने बारे में बता दूंगा कि भाई मैं कितने सालों से क्या क्या पढ़ा रहा हूँ, वो सब मैं बातों बातों में आपको हर चीज़ बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं जून 2021 अटेम्प्ट आपको मिलेगा, आप सीएसईटी अगस्त 2020 वाला एग्जाम आपने भी दिया है, और ये वीडियो उनके लिए भी रेलेवेंट है जो नवंबर में देंगे, ठीक है। नवंबर 2020 का भी जो अटेम्प्ट देने वाले हैं सीएसईटी का, उनका भी पहला एलिजिबल अटेम्प्ट जून 21 ही आएगा। कितने ग्रुप्स एलिजिबल आएंगे वो सब मैं इसमें आपको बताने वाला हूं। तो दो सीएसईटी अटेम्प्ट्स वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रेलेवेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस वीडियो में देखो क्या क्या आपको बताने वाला हूं। रजिस्ट्रेशन, सब्जेक्ट्स, ओरिएंटेशन, प्री एग्जाम, रिविजन्स, एग्जाम फॉर्म कब भरना होता है, राइटिंग प्रैक्टिस आपको कितनी करनी पड़ेगी, एडमिट कार्ड वगैरह कब आते हैं, ए टू जेड सारी चीजें अलग अलग समय पे इन पूरे 9 मंथ्स के दौरान, ठीक है। आपको जो सीएसईटी अगस्त वाले हैं, आपके पास पूरे 9 मंथ्स है, सितंबर से लेके मई तक, ठीक है। जून फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होता है, तो आपके पास पूरे 9 मंथ्स है, पूरे 9 मंथ्स हैं। और जो सीएसईटी नवंबर पास करेंगे उनके पास पूरे 5 मंथ्स होंगे, ठीक है। और उनका जो एलिजिबल अटेम्प्ट है जून 21 ही आएगा, और उनको एक ही ग्रुप एलिजिबल आएगा। जो बच्चे अगस्त दे रहे हैं उनको बोथ ग्रुप आप दे सकते हो, 1 ग्रुप भी दे सकते हो, एलिजिबिलिटी बोथ की है। अब आपका डिसीजन है आपको बोथ देना है कि सिंगल देना है। और जो नवंबर सीएसईटी पास करेंगे उनको मिलेगा ही एक, वो चाहे न चाहे आप मैक्सिमम एक ही ग्रुप दे सकते हो, दोनों में से जो भी आपको देना हो, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है सर सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, कुछ खास आपको भी समझेगा नहीं, बस नाम आपको पता होने चाहिए। तो दो ग्रुप्स में, दो मॉड्यूल्स में आपका पूरा सिलेबस डिवाइडेड है, 4 सब्जेक्ट्स फर्स्ट मॉड्यूल में, 4 सब्जेक्ट सेकेंड मॉड्यूल में, ठीक है। पहला है JIGL, सेकेंड है कंपनी लॉ, थर्ड इज SVEC, फोर्थ इज टैक्स लॉस। टैक्स लॉस इज MCQ बेस्ड विथ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स, ठीक है। आपने जो CSET पास किया है दैट वॉज विदाउट नेगेटिव मार्किंग। तो सबसे पहला एडिशनल पॉइंट जो है दैट इज, अब जितने भी इसमें MCQ पेपर होंगे, जो कि 3 है, 3 MCQ पेपर है आउट ऑफ 8 सब्जेक्ट्स एंड 5 आर रिटन पेपर्स, तो 3 MCQ वाले सब्जेक्ट्स में नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25, ठीक है, एक्स्ट्रा मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो फर्स्ट ग्रुप में ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, 1 MCQ सब्जेक्ट है दैट इज टैक्स लॉस, ठीक है। तो ग्रुप 1 आई विल से कंपैरेटिवली थोड़ा टफ है फॉर पासिंग, बिकॉज 3 सब्जेक्ट्स आपके क्या है, रिटन है, 3 सब्जेक्ट रिटन है, एक ही MCQ है। नॉर्मली अगर आप देखोगे पास्ट, आपके सीनियर से आप बात करोगे, तो MCQ ही वो सब्जेक्ट होता है जिसमें आप एग्रीगेट पासिंग के लिए ज्यादा मार्क्स लेते हो। पासिंग क्राइटेरियाज भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूं, ठीक है। फिर सेकंड मॉड्यूल में है कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी MCQ सब्जेक्ट है विद नेगेटिव मार्किंग। 6th सब्जेक्ट दैट इज सेकंड सब्जेक्ट ऑफ मॉड्यूल 2 इज सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट, एंड 3rd इज इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ, एंड 4th इज FSM स्ट्रैटेजिक एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो भी कहो, ये भी MCQ सब्जेक्ट है। तो 3 सब्जेक्ट जो MCQ है वो है टैक्स लॉस, सेकंड इज कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 3rd इज फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। 3 सब्जेक्ट MCQ है विद नेगेटिव मार्किंग, एंड रिमेनिंग 5 सब्जेक्ट्स आर रिटन पेपर्स, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिटन पेपर्स होंगे। चलिए अब है सर पासिंग कैसे होगी। पासिंग नॉर्मल है जैसे रहती है, इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क्स सब में लाने पड़ेंगे, और मॉड्यूल में ग्रुप में आपको एग्रीगेट पासिंग भी लानी है, मतलब ड्यूअल पासिंग है, इंडिविजुअल भी 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट आपको होने चाहिए आउट ऑफ 100, एंड एग्रीगेट पूरा जो ग्रुप है जो 400 मार्क्स का होता है, 4 सब्जेक्ट्स 100 मार्क्स ईच, तो एक ग्रुप आपका
400 मार्क का होता है, उसमें से 50% मार्क्स आपको चाहिए, यानी कि 200। तो एक ग्रुप आपका पास होंगे जब 400 में से एग्रीगेट 200 हैं सब मिला के, और हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली आपके 40 मार्क्स भी हैं। और बोथ ग्रुप्स कब पास होंगे, जब पूरे 800 मार्क में से आपको दोनों ग्रुप मिला के 400 मार्क्स हैं और इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स भी हैं। ठीक है, इसमें एक सेट ऑफ का भी कंसेप्ट आता है कि अगर एक ग्रुप में एग्रीगेट में आपको थोड़े से मार्क्स कम है और दूसरे मॉड्यूल में, दूसरे ग्रुप में एग्रीगेट में थोड़े एक्सेस मार्क्स हैं, दैट यू कैन यूज फॉर सेट ऑफ। तो अगर एक ग्रुप में 196 मार्क्स हैं, 200 चाहिए, आपके पास सिर्फ 196 है, और दूसरे ग्रुप में लकीली आपके पास 204 मार्क्स है, तो वो आप 4 मार्क्स जो एक्स्ट्रा है सेकेंड ग्रुप के, वो फर्स्ट ग्रुप में पासिंग के लिए यूज कर सकते हो। तो 196 और 204 एग्रीगेट विल बी 400 एंड यू विल बी डिक्लेयर्ड बोथ ग्रुप पास। ठीक है, बोथ ग्रुप पास। तो इसका बार बार आपको अलग अलग टीचर्स बताएंगे सेट ऑफ सिस्टम। तो बोथ ग्रुप में ये एडवांटेज होता है कि आप एक आध ग्रुप का एक्सेस मार्क दूसरे ग्रुप में यूज कर सकते हो फॉर एग्रीगेट पर्पस। एग्रीगेट के लिए यूज होता है, इंडिविजुअली सब में 40 लगते ही हैं, उसमें कोई सेट ऑफ का कोई रूल नहीं है, सब में 40 लगेंगे, एक में भी 40 से कम गए तो आप वो सब्जेक्ट भी फेल हो गए और ग्रुप भी फेल हो जाओगे। ठीक है, ग्रुप भी आपको फेल हो जाओगे। तो मिनिमम सब में 40 एंड एग्रीगेट ग्रुप में 50% मार्क्स आपको लगेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब है सर पहला टॉपिक, दैट इज रजिस्ट्रेशन, कि जैसे ही आप पास होंगे, जैसे ही खुशखबरी आपको मिलेगी कि आप सीएसईटी पास हो गए हो, अब द सेकेंड ऑब्लिगेशन ऑन यू इज टू रजिस्टर फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो जून 21 के एग्जाम के डेट्स क्या है, देखो 30th नवंबर कर दो, मिस्टेक हो गया सर, 30 ही होते हैं नवंबर एडिटिंग। ठीक है, 30th नवंबर 2020, 30 नवंबर के पहले अगर आप रजिस्टर करवा लेते हो तो आप जून में बोथ ग्रुप्स दे सकते हो, बट वॉलेंटरली यू कैन ऑफ फॉर सिंगल मॉड्यूल ऑल्सो। ठीक है, बट आप एलिजिबल हो, आप चाहो तो बोथ ग्रुप भी दे सकते हो। देन अगर आप लेट हो गए, या अगर आप जैसे सीएसईटी नवंबर में पास हो रहे हो, अब नवंबर की भी एग्जाम 21 नवंबर को है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो 30 नवंबर के पहले ही उसका रिजल्ट आ जाएगा, तो 30 नवंबर के कुछ दिन आपको लास्ट के कुछ दिन मिलेंगे, ठीक है, फॉर रजिस्ट्रेशन। और अगर आप 31 जैन के पहले भी करवा लेते हो तो भी सिंगल मॉड्यूल, दोनों में से कोई भी एक मॉड्यूल आप जून में अपियर हो सकते हो। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि नवंबर सीएसईटी का रिजल्ट कब आता है। अगर 30 नवंबर के पहले आ गया तो फ्यू डेज यू विल हैव, कि अगर 30 नवंबर के पहले रजिस्टर करा लिया तो आपको बोथ मॉड्यूल मिल जाएगा, बट अगर रिजल्ट लेट आया तो फिर आप 31 जनवरी के पहले करवा सकते हो और सिंगल मॉड्यूल जून 21 में आप एलिजिबल रहोगे। ठीक है, तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन का डेट। ठीक है, सबसे पहला काम आपको अभी यही करना है पास होने के बाद। ठीक है, चलिए सेकेंड इज की सर पैसे कितने लगेंगे। ठीक है, फीस कितना है सर। फीस दो होती है, एक होता है रजिस्ट्रेशन फी एंड सेकेंड इज एग्जाम फॉर्म फीस। ठीक है, दो फीस ऐसे आपको भरना होता है टू ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तो सीएससीटी पास जो बच्चे हैं उनको 10,100 रुपीज देना है, और उसका ब्रेकअप क्या है, रजिस्ट्रेशन फी है 200, एजुकेशन फी मॉड्यूल्स वगैरह जो होते हैं सब आपको मिलते हैं 6,500 रुपए उसके हैं, प्री एग्जाम का फी भी इसमें इंक्लूडेड है, दैट इज 1,000, एंड वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम के भी 600 इसमें इंक्लूडेड होते हैं, और पूरा आपको 10,100 भरने हैं, और 500 जर्नल के भी आप भर सकते हो पर वो ऑप्शनल होता है। फॉर अ ईयर एनुअल सब्सक्रिप्शन आप जर्नल के भर सकते हो, स्टूडेंट जर्नल आपके घर पे आया करेगी। ठीक है, तो वो ऑप्शनल है, 500 रुपीज अगर आप करते हो तो 10,600 रुपए भरने पड़ेंगे, और अगर आप वो सब्सक्राइब नहीं करते हो तो 10,100 रुपीज आपको मिनिमम भरने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें प्री एग्जाम फी भी इंक्लूडेड है, इसमें वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम का भी फी इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, फिर है सर एग्जाम फॉर्म कब भरना है। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम फॉर्म का बता रहा हूं, तो स्टार्ट डेट होता है सर 26 फरवरी, 25 फरवरी को दिसंबर एग्जाम का रिजल्ट आता है और उसके बाद ही तुरंत जून एग्जाम का फॉर्म खुल जाता है। ठीक है, तो 26 फरवरी 2021 से आपका फॉर्म खुल जाएगा, विदाउट लेट फी आप 25 मार्च तक भर सकते हो, एक महीना ऑलमोस्ट मिलता है, और लेट फी के साथ 250 लेट फी भर के आप 9 अप्रैल तक भी एग्जाम फॉर्म सबमिट कर सकते हो। ठीक है, फिर फीस कितनी है सर एग्जाम फॉर्म की, एक ग्रुप देना है आपको तो 1200 और बोथ ग्रुप देना है तो 2400। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम फी है, तो एक रजिस्ट्रेशन फी भरना है 10,100 रुपए और एक ये एग्जाम फी भरना है, ऐसे दो फीस आपको इंस्टीट्यूट को भरना होगा पूरे इस 9 months या जो भी 10 months है उसके दौरान। नेक्स्ट पे आते हैं सर, एक नया कंसेप्ट इंस्टीट्यूट ने लाया था, वो है सर वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ठीक है, नाम में मीनिंग है, वन डे एक ही दिन का है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, आपको रूबरू कराएंगे कि ये कोर्स में क्या क्या है,
कंपनी सेक्रेटरी एज अ कोर्स क्या है, एज अ प्रोफेशन क्या है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें क्या पूरा एकेडमिक्स है, इसमें क्या आगे क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जॉब में क्या होता है, प्रैक्टिस में क्या होता है, पूरा आपको वेलवर्स करेंगे कि इस कोर्स में क्या क्या होता है, क्योंकि आप सीएसईटी वाले हो तो आपको कुछ ज्यादा जानकारी होगी नहीं, तो वो पूरा जानकारी डायरेक्ट इंस्टीट्यूट से आपको मिलेगी, इधर उधर से आप सुनते ही हो, बट इंस्टीट्यूट एक फॉर्मल प्रोग्राम के थ्रू भी आपको ये सब बताएगी, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है करना, वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। अब इसका देखो इतिहास मैंने दिया हुआ है कि भाई ये ब्रांचेस में होती है, बट अभी COVID-19 की वजह से ब्रांचेस पे ये हो नहीं रही है, तो इंस्टीट्यूट ने इसका डेट एक्सटेंड करते रहते हैं। तो जून 21 के लिए मतलब क्या डेट है अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। नॉर्मली अगर मैं गाइडलाइन के हिसाब से बताऊं तो रजिस्ट्रेशन के 15 दिन के अंदर ये करना होता है, पर ये हार्डली ऐसा कभी हुआ है, इतिहास रहा है, 2-3 अटेम्प्ट से जब से आया है तब से वो पोस्टपोन हो रहा है, बिकॉज पैन इंडिया लेवल पे इतने सारे बैचेस इंस्टीट्यूट नहीं ले पाता है और इसलिए बार बार इसको एक्सटेंड करना पड़ता है। और अभी भी जैसे ही आप रजिस्टर कराओगे, आई डोंट थिंक कि आपको कोई फिजिकल बैच इसकी मिलेगी, और ऑनलाइन बैच कहीं इंस्टीट्यूट ने अभी तक कोई अनाउंसमेंट किया नहीं हुआ, पब्लिक डोमेन में अभी तक कुछ नहीं है, तो हो सकता है आपको अलग से एक ईमेल आ जाए, माइट बी ईमेल टू ईमेल इंस्टीट्यूट 1-to-1 आपको कम्युनिकेट करे कि आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो ऑनलाइन प्रोसीजर कहीं कम्युनिकेट नहीं किया हुआ तो मैं आपसे बस यही करूंगा, कहूंगा कि आपका इसका टेंशन मत लो। काफी बच्चे टेंशन ले लेते हैं, सर 15 दिन लिखा हुआ है, अरे पर वो नहीं हो पाएगा, इसमें आपका कोई इशू नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल इशू है कि भाई ब्रांच लेवल पे वो नहीं लिया जा पा रहा है क्योंकि वो COVID-19 है, तो अच्छा खासा वो एक्सटेंड होता है। दिसंबर जो अभी एग्जाम हो रहा है 2020, उसी का लास्ट डेट 20 नवंबर रखा गया, सोचो काफी मतलब डिले किया गया। रजिस्ट्रेशन तो मतलब कितने महीनों पहले किया होगा लोगों ने, तो भी एग्जाम के कुछ एक आध महीने पहले तक भी उसको अलाउ किया है, सोच के देखो, तो इतना मतलब वो एक्सटेंड हो रहा है। तो टेंशन मत लो, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। इंस्टीट्यूट तो बोलेगा ही कि भाई ये नहीं किया तो आपका एग्जाम कैंसिल, अरे भाई आप लो तो सही, इंस्टीट्यूट लेगा तो आप कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक इंस्टीट्यूट ही नहीं ले पा रही तो इसमें आप क्या करोगे, इट्स बियॉन्ड योर कंट्रोल, ठीक है। तो जब भी इंस्टीट्यूट कंडक्ट करेगा, इनफ टाइम देगा और आप कर लोगे, एक ही दिन का है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो लेकिन ये भी एक फॉर्मेलिटी है, वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ठीक है। फिर है सर एक नया कंसेप्ट फिर और लाया एग्जीक्यूटिव लेवल पे और फाइनल लेवल पे, वो है प्री एग्जाम, कि मेन एग्जाम के पहले आपको प्री एग्जाम क्लियर करना है, और उसका डेट होता है कि जो मेन एग्जाम का एग्जाम फॉर्म है, जो अभी मैंने ऊपर बताया 25 मार्च और 9 अप्रैल जो मैंने आपको डेट्स बताए, ये जो एग्जाम फॉर्म आप भरोगे इसके पहले प्री एग्जाम आपका पास हो जाना चाहिए, और ये भी मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब कि अगर आप ये पास नहीं कर पाए तो आप मेन एग्जाम नहीं दे पाओगे, यू विल बी इनएलिजिबल। तो ओरिएंटेशन एज वेल एज प्री एग्जाम आर मैंडेटरी, मतलब कि आप मेन एग्जाम नहीं दे सकते जब तक आप ये पास न करो, ठीक है, क्लियर है। तो जो भी एग्जाम फॉर्म आप भरोगे 25 मार्च के पहले भर रहे हो विदाउट लेट फी, तो फिर 25 मार्च के पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप लेट फी भर के फॉर्म फाइल कर रहे हो 9 अप्रैल तक, तो 9 अप्रैल आपके लिए टेक्निकली क्या होगा, लास्ट डेट होगा, उसके पहले आपको प्री एग्जाम पास करना है, ठीक है। प्री एग्जाम क्या है, एक एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम है, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, एमसीक्यू बेस्ड होगा, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी, घर बैठ के देना है, जैसे आपने सीएसईटी घर बैठ के अभी पहला एग्जाम दिया था, पहला एग्जाम घर बैठ के दिया था, तो वैसा घर बैठ के देना है, पर ये प्रॉक्टर्ड मोड में नहीं है, मतलब आप बुक खोल के, किससे पूछ के, फोन पे बात करके, नेट पे सर्च करके, आप जैसा चाहे आप ये एग्जाम दे सकते हो, बहुत ज्यादा मॉनिटर्ड, बहुत ज्यादा रेगुलेटेड नहीं है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, घर बैठ के कोई अगर आप एग्जाम दे सकते हो, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी, जिसमें कोई प्रॉक्टरिंग वगैरह नहीं है एज ऑफ नाउ, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा, सेम 0.25 मार्क्स, और इसमें सारे सब्जेक्ट एमसीक्यू रहेंगे, कंफ्यूज मत होना, मेन एग्जाम में 3 ही पेपर एमसीक्यू हैं, लेकिन प्री एग्जाम में सारे सब्जेक्ट, सारे पेपर्स एमसीक्यू फॉर्म में ही होंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो प्री एग्जाम पूरा का पूरा एमसीक्यू ही होगा विथ नेगेटिव मार्किंग ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है, कुछ भी लिखना नहीं है, कुछ सबमिट नहीं करना है, ऑनलाइन बैठ के बस एक एग्जाम देना है, हर सब्जेक्ट का एक एक एग्जाम देना है, खत्म, ठीक है। तो ऑनलाइन है, एमसीक्यू है, और कहीं से भी आप घर बैठ के या कैफे से दे सकते हो, नेगेटिव मार्किंग रहेगा 0.25, पासिंग है 40 मार्क्स, इसमें कोई एग्रीगेट पासिंग नहीं है, नो एग्रीगेट पासिंग नहीं है, ग्रुप वाइज पूरा ग्रुप पासिंग नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में 40 लाओ, खत्म, ध्यान दो, कोई एग्रीगेट पासिंग नहीं है। रूमर्स आएंगे, काफी बच्चे अपने हिसाब से बताते हैं, तो मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूं कि इसमें कोई एग्रीगेट पासिंग नहीं होती है प्री एग्जाम में,
सिर्फ इंडिविजुअल पासिंग है 40 मार्क्स, ठीक है, वन टाइम एग्जाम है। मतलब आप अगर फेल हो गए गलती से, अगर आप फेल हो गए, किस्मत खराब है आपकी, तो अगली बार जब आप एग्जाम दोगे तो बार बार आपको नहीं देना है, बस एक बार आपने पास हो गया प्री एग्जाम, उसके बाद आपको उसको फिर से नहीं देना है, ठीक है, वन टाइम एग्जाम है जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही देनी होती है, ठीक है, नॉट टू बी गिवन अगेन इवन इफ यू फेल इन द मेन एग्जाम्स, ठीक है। और जो एग्जाम आप दे रहे हो, अगर मैं मॉड्यूल वन दे रहा हूं तो मुझे सिर्फ मॉड्यूल वन के ही प्री एग्जाम क्लियर करने, अगर मैं मॉड्यूल टू दे रहा हूं तो सिर्फ मॉड्यूल टू के, और बोथ दे रहा हूं तो बोथ, जो भी मेन एग्जाम आप दे रहे हो उनके प्री एग्जाम क्लियर करने, ठीक है, आई होप सब क्लियर है। तो सब चीजें आपको मैंने इसमें लिख के दे दी हैं और आप पढ़ भी रहे हो, ठीक है। और फिर इसका सिलेबस क्या होता है सर? अरे ये फुल सिलेबस होता है, जैसे आपका मेन एग्जाम फुल सिलेबस का होगा, सारे सिलेबस सेम है, टॉपिक सेम है जो आपके मेन एग्जाम में है, सिर्फ ये एमसीक्यू फॉर्म में होगा, ठीक है, फुल सिलेबस इसका सिलेबस होता है। फिर इसकी कोई स्टार्ट डेट नहीं है सर, एंड डेट तो आपने बता दी कि मेन एग्जाम फॉर्म फाइल करने के पहले पास होना है। अरे पर हम कब दे सकते हैं? कभी भी दे सकते हो, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद आप कभी भी दे सकते हो, रजिस्ट्रेशन फी के साथ आपकी प्री एग्जाम फी इंक्लूडेड है, तो उसके बाद आप कभी भी दे सकते हो, स्टार्ट डेट कुछ होता नहीं है, रजिस्ट्रेशन के बाद आप कभी भी वो एग्जाम दे सकते हो, एंड डेट बस ये है कि मेन एग्जाम फॉर्म भरने के पहले आपको ये पास करना है, ठीक है। फिर है ये मैंडेटरी है, ऑलरेडी बता दिया, अगर आप ये गलती से भी टाइम पास करके आप पास नहीं हो पाए, अगर ये पास नहीं हो पाया, एग्जाम फॉर्म की डेट निकल गई और आप ये पास ही नहीं हो पाए, तो आप एग्जाम फॉर्म भर ही नहीं पाओगे, और एग्जाम फॉर्म ही नहीं भरा तो आपका अटेम्प्ट गया, मेन एग्जाम आप दे ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है, इसको सीरियसली लेना है। फिर है कि टेक्निकली क्या लास्ट डेट है, 9th अप्रैल, टेक्निकली विथ लेट फी आप क्या डेट तक फॉर्म भर सकते हो, 9th अप्रैल, तो टेक्निकली बच्चा 9th अप्रैल तक चाहे तो प्री एग्जाम पास करके विथ लेट फी एग्जाम फॉर्म भर सकता है, ठीक है, टेक्निकली थेरोटिकली इट्स द लास्ट डेट। अब है सर एक सवाल का जवाब आपको सताएगा, जैसे आप पास होंगे, रजिस्ट्रेशन कर लोगे और फिर उसके बाद क्लासेस वगैरह का जब आप प्लान करोगे, तो सबसे पहला आपको सवाल सताएगा कि सर मैं एक ग्रुप दूं या बोथ ग्रुप दूं, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप बोथ ग्रुप ही दो। आपके पास 9 मंथ्स है, पूरे 9 मंथ्स आपके पास है, जो कि काफी कम है, पर ये मैक्सिमम है जो आपको मिलेंगे, आगे चल के तो इससे और कम टाइम मिलने वाला है, तो इट्स अ वेरी फेवरेबल सिचुएशन टू गिव टू अटेम्प्ट बोथ ग्रुप्स, इससे ज्यादा फेवरेबल सिचुएशन नहीं आएगी। फेवरेबल का मतलब क्या है, तो ये मैंने उसमें आपको बताया कि जब पहला अटेम्प्ट आप देते हो आपके पास मैक्सिमम टाइम है, मैक्सिमम टाइम बोले तो 9 मंथ्स, आगे चल के आपको 9 मंथ्स भी नहीं मिलेंगे, 4 महीने 3 महीने 2 महीने ऐसे ही मिलने वाला, फुल फ्लेज 9 मंथ्स आपको फिर से नहीं मिलते, वो सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिलते हैं। फिर है फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका देखो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहली एग्जाम है, पहली बार नए नए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पहली बार इतना नॉलेज और इतना एडवांस लेवल पे आप पढ़ोगे, तो आपका इंटरेस्ट सबसे मैक्सिमम होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे अगर आप आगे आपको अटेम्प्ट लगते हैं गलती से, तो धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट भी कम होते जाता है और आपकी इच्छा पढ़ने की समझने की कम होते जाती है, ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। फिर है कि आपने अभी तक आप फेल ही नहीं हुए, पहला अटेम्प्ट है, पूरा आप चार्ज्ड अप होते हो, आप इंटरेस्टेड होते हो, आपको कंपनी सेक्रेटरी बनना है, बरोबर, तो ये जो चार्जिंग अप है, ये जो इंटरेस्ट आप लेते हो, ये सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही होता है, ठीक है। फेलियर देखने के बाद आप, काफी कम लोग होते हैं तो बाउंस बैक होते हैं, पहले से ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, तो बहुत रेयर होता है, सबके साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। और फिर है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में देखो सबका सपोर्ट मिलता है, फैमिली वाले आपको सपोर्ट करेंगे, फ्रेंड्स आपको मोटिवेट करेंगे, एक बार आप फेल हो जाते हो फिर पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाती है, आपके कैलिबर पे शक करती है, तो ये सब फेलियर के बाद होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको ऐसा कोई फीलिंग या कोई इंसान आपको ऐसा एहसास नहीं दिलाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा आपको पहला अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप ही देना चाहिए, आप सेल्फ डाउट मत करो, आप अगर सीएसईटी पास हुए हो, अगर आप मेहनत करोगे तो आप पास हो भी जाओगे, आपके पास अपने ऊपर शक करने की कोई वजह ही नहीं है कि क्यों मैं बोथ ग्रुप ना दूं, क्यों ना दूं, ना मैं फेल हुआ हूं, ना मेरे पास कुछ प्रॉब्लम है, ना कुछ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो अलग बात है, अगर आप फी, अब फी भी क्या है, रजिस्ट्रेशन फी तो आपको उतनी भरनी है, आप एक ग्रुप दो या बोथ ग्रुप दो, फर्क क्या पड़ता है, क्लासेस का, अगर आप क्लासेस का अमाउंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, या आप वर्किंग हो, अगर आप वर्किंग हो, जॉब भी कर रहे हो, तो माइट भी आप सिंगल सिंगल ग्रुप करके सोच सकते हो, बट अगर आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ना आपको मॉनेटरी प्रॉब्लम है, ना टाइम का प्रॉब्लम है, फुल फ्लेश आपके पास फुल डे है, कोई भी इशू नहीं है, तो आपको हमेशा बोथ ग्रुप के लिए जाना चाहिए, ठीक है। फिर है जो मैंने आपको बताया, सेट ऑफ का बेनिफिट मिलेगा, सिंगल ग्रुप में सेट ऑफ होता ही नहीं है, सेट ऑफ के लिए 2 ग्रुप्स लगेंगे ना, तो सिंगल ग्रुप में फिर सेट ऑफ भी नहीं मिलेगा,
एक मार्क से भी ग्रुप रह गया तो पूरा ग्रुप फिर से देना पड़ता है, जान जल जाती है। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत इरिटेट होता है कि अगर यार वो एक मार्क मिल जाता है, अगर मैं एक और ग्रुप देता उसमें एक मार्क एक्सेस आ जाता, सेट ऑफ हो जाता तो मैं पास हो जाता। ये फीलिंग बहुत सताती है उन लोगों को जो एक दो या तीन मार्क्स से फेल होते हैं ग्रुप में, एग्रीगेट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, और जो सेट ऑफ से पास होते हैं मैं बता नहीं सकता, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मतलब लक भी है, डेफिनेटली इट्स अ लक फैक्टर, बट काफ़ी बच्चे इसमें एग्रीगेट में पास हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सेट ऑफ बेनिफिट, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है कि अगर आप रैंक के सपने देख रहे हो, अगर आप रैंक के सपने देख रहे हो तो सर बोथ ग्रुप देना कंपलसरी है। सिंगल ग्रुप में रैंक नहीं आता, सिंगल ग्रुप में रैंक नहीं आता, यू हैव टू अपियर फॉर बोथ ग्रुप्स, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल फॉर अ रैंक। ठीक है, तो जो रैंक के सपने देख रहे हैं तो आपका डिसीजन काफी आसान है, आपको बोथ ग्रुप ही देने। ठीक है, फिर एडमिट कार्ड्स आपको पता ही है लास्ट 10 डेज में आते हैं, एग्जाम के लास्ट 10 डेज में आपको डाउनलोड लिंक आती है, आप वो वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के वो सब कर सकते हो। ठीक है, तो एडमिट कार्ड एकदम आखिरी में आता है, आपको अभी उसके बारे में कुछ भी सोचना नहीं है। ठीक है, और कुछ टिप्स मैंने दिए हैं कि भाई अंदाजन आप जो अभी तक पढ़ चुके हो, CSET जो आप पढ़ चुके हो, उससे कम से कम 10 टाइम्स ज़्यादा टफ, ज़्यादा वास्ट आपका CS एग्जीक्यूटिव का सिलेबस है। ठीक है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट वाइज तो है ही, जैसे CIT में आपका सब MCQ था, यहाँ 5 पेपर रिटन है, CSET में कोई प्री एग्जाम नहीं था, यहाँ आपको प्री एग्जाम का भी बर्डन है, यहाँ पे वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम का भी बर्डन है, 8-8 सब्जेक्ट्स हैं, पहले आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स थे, तो सब्जेक्ट्स भी डबल हो गए, ऊपर से 8 में से 5 रिटन पेपर्स हैं, ऊपर से प्री एग्जाम भी देना है, ऊपर से टाइम भी उतना ही है, 9 मंथ्स ही हैं। पहले चलो फाउंडेशन था, फाउंडेशन में भी 9-10 मंथ्स मिलते थे, अब CSET में 3 महीने ही मिलते हैं, हर 3-3 महीने में वो होता है, तो बहुत ही टफ है। सीरियसली अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ते हो तो आप डेफिनेटली पास हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग ही मैटर करती है। अगर पहले के 2 महीने आपके वेस्ट चले गए तो फिर आपकी गाड़ी बोथ ग्रुप की निकल जाती है, फिर बोथ ग्रुप को कवर अप करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपका खत्म तो हो जाएगा बट रिविजन नहीं हो पाएगी, और बिना रिविजन आप पास होना, रैंक होना तो मतलब भूल जाओ। तो स्टार्टिंग के 2 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किक स्टार्ट कर लिया स्टार्टिंग के 2 महीने में, बहुत ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिए, काफ़ी सारी पढ़ाई कर ली, तो बस आप मतलब आपका आधा काम हो गया है, पासिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर ये 2-3 महीने आपके वेस्ट चले गए तो फिर आप आधी रेस ऐसे ही हार चुके हो, फिर आप सिंगल ग्रुप या ऐसे ही आपको ख्याल आएंगे कि एक एक ग्रुप करके करते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है, तो वो सब नेगेटिविटी और आपके डिमोटिवेशन में आप चले जाओगे। तो मेरा हमेशा एक ही, पूरे वीडियो में मैं कह रहा हूँ, बाकी कुछ भी आप मत मानो, सब भूल जाओ, एक ही चीज़ पर ध्यान रखना, स्टार्टिंग के 2 महीने किसी भी हालत में वेस्ट नहीं होने देना। अगर आप बोथ ग्रुप के सपने देख रहे हो तो, रैंक के सपने देख रहे हो तो, पहले 2 महीने क्रूशियल हैं, वही डिसाइड करेंगे कि आप पास होंगे कि नहीं, या रैंक आप ला पाओगे कि नहीं ला पाओगे। सिंगल ग्रुप की बात नहीं कर रहा, सिंगल ग्रुप आप बाद में भी पास हो जाओगे, सिंगल ग्रुप के लिए 4-5 महीने भी इनफ होते हैं, मैं बोथ ग्रुप की बात कर रहा हूं। ठीक है, फिर है कि रिविजन सर कम से कम 2 टाइम होनी चाहिए, रैंक वैंक है तो 3-4-5 जितना हो कम, मतलब जितना करो कम ही होता है रैंक के लिए, तो बट पासिंग के लिए आई थिंक डिसेंट है कि 2 टाइम्स अगर आप रिवाइज कर पा रहे हो तो आप एक अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल से एग्जाम अपियर करोगे। ठीक है, तो आपको रिविजन का यहां क्या लेना देना है कि आपको पढ़ाई जल्दी कंप्लीट करनी है, जैसे मैंने बताया ना, 2 महीने अगर स्टार्टिंग के वेस्ट हो गए, वो 2 महीने ही आपके रिविजन का टाइम था समझ में आ रहा है क्या, वो 2 महीने जो आपने वेस्ट कर दिए वो रिविजन का टाइम था, अब रिवाइज कैसे करोगे, और रिवाइज नहीं करके जाओगे तो एग्जाम में कुछ याद नहीं आएगा। तो सिलेबस तो कंप्लीट हो जाता है, अरे पर वो एंड तक जाएगा, और एंड तक जाएगा तो भैया रिविजन नहीं कर पाओगे, और आधी अधूरी रिविजन में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा। तो जल्दी स्टार्ट करो ताकि इनफ टाइम बचे फॉर रिविजन पर्पस। ठीक है, सेम गोज विथ राइटिंग प्रैक्टिस, जल्दी स्टार्ट किया, जल्दी खत्म हो गया तो आपके पास एक आध महीना रहेगा कि आप टेस्ट सीरीज दे पाओ, और एक राउंड मिनिमम मैं रिकमेंड करता हूं, एक राउंड फुल सिलेबस का आपको टेस्ट सीरीज देना ही है, 2 या 2 से ज्यादा दे पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, पर मिनिमम 1 फुल सिलेबस टेस्ट यू शुड अटेम्प्ट बिफोर द मेन एग्जाम्स। ठीक है, तो ये था सर पूरा मेरा जो अनुभव है, 7 साल का मैं CS एग्जीक्यूटिव को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, 7 साल से मैं इस कोर्स को पढ़ा रहा हूं, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, इजी अटेम्प्ट, टफ अटेम्प्ट, बहुत सारी चीजें देखी हैं, तो इसलिए मैं आपको ये अनुभव बता रहा हूं कि स्टार्टिंग के 2 महीने वेस्ट नहीं करना। ठीक है,
तो ये सब आई थिंक मिनिमम सारी डिटेल्स देखो दे दी है मैंने, रजिस्ट्रेशन सब्जेक्ट्स, एमसीक्यू क्या है, प्री एग्जाम क्या है, रिवीजन के लिए कितना आपको टाइम रखना चाहिए, आखिरी के 2 महीने मेरे ख्याल से रिवीजन और राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपको रखना ही चाहिए, 2 महीने पहले आपकी पढ़ाई खत्म हो जानी चाहिए। दैट मीन्स क्या आएगा, 31 मार्च तक आपकी पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो जानी चाहिए विद फुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी, फिर अप्रैल और मई ये 2 महीने आप रिविजन प्लस राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ मेरे से स्किप हो गया है, कुछ चीज़ें मैंने बताई नहीं है, तो मैं मतलब आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करूंगा। और इससे रिलेटेड जो भी और लिंक्स हैं, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के लिंक्स हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। जो भी रेलेवेंट चीज़ें हैं प्री एग्जाम के बारे में और जो डिटेल्स हैं, या जो भी मुझे और लगेगा कि आपको और कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, या इंस्टीट्यूट के वेबसाइट का कुछ कंटेंट आपके पास होना चाहिए, तो वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आपको मतलब कहीं भी ज्यादा ढूंढने की या इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको यहां पे मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो टाइमलाइन कैसा होगा, टाइमलाइन होगा पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फर्स्ट काम है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद है सर पढ़ाई, पढ़ाई आपकी इच्छा जैसे आपको पढ़ना है, फेस टू फेस, ऑनलाइन, सिंगल ग्रुप, बोथ ग्रुप, जो मैंने आपको सारे फैक्टर्स बता दिए, आप सब लेक्चर्स कैसे लेना है आप डिसाइड करो। फिर आपको फर्स्ट पढ़ाई पूरी कंप्लीट करनी है, फर्स्ट पढ़ाई कंप्लीट होते होते आई थिंक फेब आ जाएगा, जनवरी या फेब्रवरी तक आपके बोथ ग्रुप की पढ़ाई हो जानी चाहिए। फिर तब तक कुछ ना कुछ ओरिएंटेशन का भी इंस्टीट्यूट आपको बता देगी, तो जैसे ही ओरिएंटेशन का आएगा एक दिन में वो कर लेना, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। फिर मार्च में मैं आपको कह रहा हूं कि प्री एग्जाम आप सीधे मार्च में सोचना, उसके पहले प्री एग्जाम के बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। तो मार्च आप रख दो प्री एग्जाम के लिए, प्री एग्जाम मार्च में दे देना और एग्जाम फॉर्म भी मार्च में भर देना, और मार्च से मार्च में ही या मार्च के बाद फिर आप राइटिंग प्रैक्टिस, रिविजन्स, ये सब आप कर सकते हो, बराबर। तो इस तरह से आपका टाइमलाइन होगा, पहले रजिस्ट्रेशन, फिर पूरी पढ़ाई, फिर बीच में 1 महीना आप प्री एग्जाम और एग्जाम फॉर्म के लिए रख सकते हो, और आखिरी 2 महीने राइटिंग प्रैक्टिस प्लस रिविजन्स। आ रहा है समझ में? तो ये टाइमलाइन आपका होगा, ठीक है, ये टाइमलाइन आपको फॉलो करना है। अब सर मैं पढ़ाता हूँ, मैं 4 सब्जेक्ट सर डील करता हूँ, ठीक है। मैं डील करता हूँ सर कंपनी लॉ इन द फर्स्ट मॉड्यूल, फिर मैं CMA, SLCM एंड FSM, ठीक है। इन 4 सब्जेक्ट्स में मैं डील करता हूँ। आप इनके बारे में कोई भी डाउट आपको होगा, टेक्निकल इशू होगा, कैसे अप्रोच करें, क्या करें, क्या ना करें, क्या इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके मन में इन 4 सब्जेक्ट के बारे में सवाल होंगे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और सर कहाँ पूछना है, आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, एंड्रॉइड ऐप है, और आप iOS पे भी कर सकते हो, और इस पे चैट ऑप्शन होता है, और चैट ऑप्शन में आप मुझसे डाउट जो भी है इन 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड आप पूछ सकते हो, और जो जनरल प्रोसीजरल डाउट्स हैं वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। और इन 4 सब्जेक्ट्स के मेरे वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, जो भी इंटरेस्टेड होंगे आप देख सकते हो, यूट्यूब पे मेरे इन सब्जेक्ट्स के डेमो भी अवेलेबल हैं, और मेरा वेबसाइट भी है amitkaldaclasses.com, और इन ऐप पे भी मेरे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, June 21 के लिए भी आपको लेक्चर्स आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब दोस्तों पूरा एग्जीक्यूटिव के बारे में आपको बता दिया, इसके अलावा कुछ अगर रह गया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। अगर ऐसी ही चीज़ें आपको आप चाहते हो कि आपको पता चलते जाए अपने आप, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए अगर आपको एक भी चीज़ पसंद आई होगी, ताकि आपके फ्रेंड्स तक वो पहुंचे, और शेयर जरूर करिए अगर आपको लगता है कि क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है, आपके फ्रेंड्स को भी पता होनी चाहिए, या वो यही चीज़ें वो ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो का लिंक जरूर उनके साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए, ताकि आपको टाइमली इंस्टीट्यूट के अपडेट्स या जो भी कॉम्प्लायंसेस आपको करने होते हैं इंस्टीट्यूट के, या जो भी स्टडी मटेरियल मैटर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, वो मैं आपको अपडेट्स देते रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।